क्या तू? सॉरी। अरे क्या सॉरी, दिखता नहीं है तुझे? ये बहू को क्या बोल रहा है, तुझे दिखता नहीं है? नहीं नहीं बाबूजी, मेरी गलती है, मैं ही जल्दी जल्दी में आ रही थी तो। सर क्या सॉरी, और एक मिनट, क्या चाय तो लाई कहाँ से? किचन में सर। लेकिन टपू तभी बोल रहा था तो किचन में नहीं है। अरे मैं किचन में ही थी, उल्टा मैंने ही टप्पू को कहा कि तू चल, मैं आई, चाय लेके आ ही रही हूँ। टप्पू? टप्पू? मैं तो मस्ती कर रहा था। देखा देखा बापू जी, टप्पू की मस्ती की वजह से मेरे पेट पे चाय गिरी। तो उसमें क्या हुआ, रोज पेट में गिरती है, आज पेट पे गिरी। अरे ऐसे साफ नहीं होगा, नहाना पड़ेगा। तो जा जाके नहा ले, सुबह सुबह खाम का दोबारा नहाना पड़ेगा। मुझे भी दोबारा चाय बनानी पड़ेगी। टप्पू बेटा देखा, तेरी मस्ती की वजह से तेरे पापा को अभी दुकान जाने में देर हो जाएगी। हर वक्त मस्ती नहीं करते बेटा। सॉरी दादाजी। चल बैठ के मस्ती करते हैं। काम खा सुबह सुबह दोबारा नहाना पड़ा। ये भगवान ने लगता है मेरी कुंडली किसी सर्कस वाले को लिखने दी होगी, रोज मुझे नए नए खेल करने पड़ रहे। अभी इतना परेशान हुआ हूँ तो अभी कम से कम बबीता जी के दर्शन करा देना। कोई बात नहीं, देख लूंगा। लेडीज रुमाल? इस पे तो बी लिखा है, मतलब ये तो बबीता जी का है। छोटे से हुल्दी उसमें डर गए? मैं तो मजाक कर रहा था। बबीता जी, बबीता जी। हाय जेठा जी। सबसे पहले गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। सोचिए मैंने आपको क्यों बुलाया होगा। क्यों? आपकी एक चीज उड़ते उड़ते मेरे पास आ गई है। मेरी चीज आपके पास? कौन सी? दिल थाम के बैठिए, आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ आपकी एक छोटी सी चीज, आपका हाथ रुमाल। जेठा जी ये मेरा रुमाल नहीं है। अरे आपका ये देखिए, इस पे आपका नाम लिखा है, बी फॉर बबीता जी। इसमें बबीता लिखा है? हाँ मतलब बी लिखा है, तब बी तो बबीता जी का ही होता है ना। हाँ पर ये मेरा रुमाल नहीं है। अच्छा मतलब आप भी मजाक कर रहे थे। कोई बात नहीं बबीता जी, आपका नहीं है तो क्या हुआ, रख लो। बी तो लिखा हुआ ही है, और क्या कभी इमरजेंसी में काम आ जाएगा, रख लो, मैं अभी आता हूँ ऊपर देने के लिए। नहीं नहीं जीठा जी, मैं ऐसे रुमाल यूज ही नहीं करती हूँ, सो थैंक यू। नहीं नहीं दया नहीं, प्लीज कोई बफाट मत करना प्लीज। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दया भाभी। टप्पू के पापा, आपके जो शर्ट में चाय का दाग लगा था ना, वो दाग निकल गया। अच्छा आज शर्ट का दाग भी निकल गया और दया ने कोई बफाट भी नहीं किया, थैंक यू भगवान। ठीक है दया। लेकिन टप्पू के पापा, आपने चाय के दाग वाला शर्ट तो बदल लिया, लेकिन चाय के दाग वाला बनियान क्यों नहीं बदला? वही पहन के चल दिया। मैंने बनियान भी बदले किया है दया। अच्छा तो फिर मुझे बाथरूम में क्यों नहीं दिखा? हाँ शायद टॉवल के नीचे होगा। हाँ चल चल अंदर जाके देख। चल चल चल। टप्पू के पापा, आपके हाथ में लेडीज हाथ रुमाल।
वो इधर नीचे पड़ा था तो बी लिखा है ना, मुझे लगा बबीता जी का है तो मैंने पूछा, लेकिन उनका नहीं है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आप आज भी मेरा ही हाथ रुमाल लेकर चले गए कि क्या। आज भी मतलब क्या, मैं कभी तेरा लेडीज हाथ रुमाल लेकर निकला हूँ? 4 महीने पहले 22 जनवरी 2012 को अब मुकल जाने के लिए निकले तो मेरा हाथ रुमाल लेकर निकले थे, और 18 अक्टूबर 2011। बस बस, यादों की बारात बंद करो बस। क्या बबीता जी? क्या चलो, जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलो ओके बबीता जी, बाय। ओके बाय। हाँ ओके ओके ठीक है। अरे रुमाल कहाँ लेके जा रहा हूँ? अरे जेठालाल भाई, क्या है ये? इस सोसाइटी में ऐसे कचरा फेंकना बहुत गलत बात है। क्या गलत बात वाड़ी? एक काम कर, इधर सोसाइटी में आ और इधर पैरादारी कर। कौन किधर कचरा क्या फेंकता है? ये रुमाल पहले इधर ही पड़ा था, वो मैंने खाली उठा के देखा कि किसका है और वापस रख दिया जिधर था उधर। मैंने कुछ भी हो भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें ये रुमाल यहाँ फेंकते हुए। हाँ तो चल, ये रुमाल मेरा ही है, मुझे इसका कलर पसंद नहीं आया इसलिए फेंक दिया। डॉट डायो वांडो वांडो। अरे जेठालाल, जेठालाल डॉट डायो समझ में आया, ये वांडो का मतलब क्या है? ओ जेठालाल। पोपट भाई क्या हुआ? दया भाभी, ये वांडो शब्द का मतलब क्या है? वांडो मतलब आप। जेठालाल अभी मुझे वांडो बोलकर ही गया, लेकिन उसका मतलब क्या है? पोपो, पोपट भाई को कैसे कहूँ, वांडो मतलब जिनकी बड़ी उम्र तक शादी नहीं हुई होती है वो। पोपट भाई, टप्पू के पापा ने वांडो नहीं वांडो बोला होगा, मतलब प्रॉब्लम। आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वांडो, वांडो है। सोसाइटी में कोई इस तरह से कचरा फेंकेगा तो वह वांडो ही है। देखिए जेठालाल ये रुमाल यहाँ फेंक कर चला गया। सॉरी सॉरी पोपट भाई, मैं अभी उठा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं दया भाभी, आप रहने दीजिए, मैं वैसे भी अभी नीचे उतरने ही वाला हूँ, तो मैं रुमाल उठाकर डस्टबिन में फेंक दूंगा। लेकिन आप जरा जेठालाल को समझाइए, इस तरह से सोसाइटी में कचरा फेंकना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं बापूजी को कह दूंगी। नहीं चंपक चाचा को नहीं, जेठालाल को समझाइए। ठीक है, कह दूंगी। ओके ओके, थैंक यू। क्या हालत कर दी है नोटिस की। वो भिड़े भाई सोसाइटी में सबके घर पे जाके आया ना, तो सबके हाथ लगे तो थोड़ा सा। समझ गया समझ गया। अच्छा, हम लोग जो भंगार बेच रहे हैं उस पर किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना, खासकर जेठालाल को? नहीं, जेठा भाई ने तो कुछ बोला ही नहीं। चलिए। हाँ लेकिन सोसाइटी के एक दूजे ने बोला कि भिड़े भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भंगार बेच के जो पैसा आएगा वो सोसाइटी फंड में जमा होगा, मेंटेनेंस भी कम आएगा। अरे उनको बोलो हम लोग भंगार बेच रहे हैं, सोना नहीं बेच रहे, जो लाखों रुपए जमा होगा सोसाइटी फंड में। मैंने भी यही समझाया उनको। ठीक है, 2 दिन बाद किसी भंगार वाले को बुला कर ये भंगार बेच देता हूँ। अरे मैं भी खेल रहा हूँ, आ तो खेल ना। किसने तो बोल तो दो। ओए डब्बू, डब्बू बाल्टी लेकर किधर जा रहा है, पानी भरने? अरे नहीं यार, ये बाल्टी टूट गई है, इसने भंगार में फेंकने है ना। जा रहा हूँ। फ्रेंड्स चलो बाल्टी से फुटबॉल खेलते हैं। अरे अरे मैं शिस्त नहीं है, अभी बॉल भी कम पड़ेगा इनको। अब्दुल पूरी दुनिया सुधर सकती है, के लिए टप्पू नहीं सुधर सकता, बच्चा है 2 दिन के बाद। हाँ खेलते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। मैं फर्स्ट, मैं फर्स्ट, मैं सेकंड, मैं टेबल टेनिस खेलूंगा।
टूट गई है यार गोली छोड़ना इसके बिना ही खेलते चल 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 ठीक है चल 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 गोली क्या कर रहा है सॉरी नेट नहीं है ना क्या कुछ भी बोल रहा है यार अरे यार कोई बराबर से खेला चल क्या हुआ अरे कैरम बहुत रफ हो गया एक शॉट नहीं लग रहा है इसमें तो खेलने का मजा ही नहीं यार चल चेस खेल दे अरे गोगी उसके लिए दिमाग चाहिए बस दे बिंगो अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं हाँ हाँ चल बैडमिंटन मैं रेड वाला मैं रेड वाला मैं हाँ हाँ अरे अरे यार ये बैडमिंटन का नेट तो चूहे खा गए हाँ अरे चूहे खा गए गोली अरे टेबल हिल रहा है एक दो तीन तीनों पैर टूट गए यार हाँ और टेबल गिर जाएगा दूर हट मैंने कुछ नहीं किया यार पहले से टूटा हुआ था देखना अगर भीड़ अंकल को पता चला ना तो सबसे पहले तुझे ही डांटेंगे टप्पू यहाँ की सारी गेम टूटी हुई है हाँ यार ये क्लब हाउस नहीं अर्थक्वेक हाउस बन गया है सब गेम्स पुरानी हो गई यार हाँ यार भीड़ अंकल भी तो पुराने जमाने के है क्या हाँ इसलिए अपने जमाने की गेम रखी है पर हम तो नए जमाने के चलो भीड़ अंकल के पास जाकर नए गेम्स के लिए बात करते हैं चलो चलो पर टप्पू भीड़ अंकल मानेंगे भीड़ अंकल का फिक्स डायलॉग मुझे पता है सोसाइटी में फंड नहीं है तो फिर अब क्या करे फ्रेंड्स अपनी बात कैसे मनवानी वो टप्पू को अच्छे तरीके से आता है भिड़े अंकल जिंदाबाद 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 शांति 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 भाई भिड़े क्या बात है भाई इलेक्शन विलेक्शन में खड़े सुबह मिले तो बताया नहीं पोपटलाल तुम भी जरा शांति रखोगे प्लीज टप्पू ये क्या हो रहा है मेरा नाम लेके जिंदाबाद क्यों चिल्ला रहे हो जो अच्छा काम करे उनका तो जिंदाबाद होना ही चाहिए क्यों फ्रेंड्स एक मिनट मैंने कौन सा अच्छा काम किया है नहीं मेरा मतलब है भिड़े अंकल सोसाइटी में बहुत सारे अच्छे काम करते हैं तुम लोग कौन से अच्छे काम की बात कर रहे हो टप्पू सच सच बताओ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कौन सी शरारत का गणित चल रहा है वो भिड़े अंकल क्लब हाउस में सारी गेम हिस्ट्री बन चुकी है हम लोग को नई गेम चाहिए भिड़े अंकल जिंदाबाद और हाँ भिड़े अंकल आप नई गेम्स क्यों नहीं ला सकते वो रीजन हमें नहीं सुना हाँ टप्पू क्लब हाउस में कोई भी नई गेम्स नहीं आने वाली पर भिड़े अंकल टेबल टेनिस का रैकेट और टेबल दोनों टूट गए कैरम बोर्ड भी रफ हो चुका है और तो और वॉलीबॉल का नेट भी टूट गया है तो क्यों तोड़ी सारी गेम्स अरे अरे भाई भिड़े दुनिया में हर चीज की एक लाइफ होती है वक्त आने पर सारी पुरानी चीजें टूटती है भाई ये सारी गेम्स कितनी पुरानी हो गई थी लेकिन पोपटलाल अभी नई गेम्स खरीदने के लिए सोसाइटी में फंड्स नहीं है अरे यार ये इनका फिक्स डायलॉग है ये गोलिया ये फिक्स डायलॉग ही हकीकत है सच्चाई है समझे भिड़े भाई चिंता क्यों करते हो जो भी खर्चा होगा वो सोसाइटी में सबसे वसूल कर लेना हाँ। अरे पोपटलाल यहाँ पे लोग मेंटेनेंस टाइम पे नहीं भरते इस बात के लिए पैसे कहाँ से देंगे और ये तुम बोल रहे हो पोपटलाल पिछले महीने जब हमने गार्डन में नया पाइप लगवाया था तब तुमने ही बोला था ना नए पाइप की क्या जरूरत है पुराने पाइप को ही गम लगा देते हैं चिपका देते हैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चों सॉरी लेकिन कोई नई गेम्स नहीं आएगी हा? तो भिड़े अंकल हम लोग क्या खेले अभी वैकेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद स्कूल और मॉनसून दोनों एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे फिर तो हम लोग को क्लब हाउस में खेलना पड़ेगा ना भिड़े दो चार गेम्स ही तो है हाँ टेबल टेनिस कैरम
और वॉलीबॉल का नेट। तो ठीक है, एक काम करते हैं, क्लब हाउस में जितने भी पुराने गेम्स हैं उसको भंगार में बेचकर हम लोग एक नया गेम खरीद लेंगे। अरे वाह भिड़े, बच्चों तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। अरे हाँ, बाकी के बच्चों के गेम तुम्हारे फेवरेट पोपटलाल अंकल स्पॉन्सर कर देंगे। अरे नहीं नहीं भाई भिड़े, तू ये जो सोसाइटी का भंगार बेचने वाला है ना, उससे जो 8-10 हज़ार रुपए आएंगे उससे हम बच्चों के लिए गेम्स खरीद लेंगे। वाह पोपट अंकल जिंदाबाद, पोपट अंकल जिंदाबाद, पोपट अंकल जिंदाबाद। थैंक यू बच्चों, दिल से मेरा जिंदाबाद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज कोई लड़की वाले यहाँ होते तो मेरा जिंदाबाद सुनकर फौरन मुझे पसंद कर लेते। क्या 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 क्या? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे भाई भिड़े, तुमने सुबह मुझे टोका था ना कि पोपटलाल कब तक अपनी पुरानी कोल्हापुरी चप्पल सी सी कर पहनोगे, तो तुम्हारे कहने पर मैं आज नई चप्पल लेकर आया। ओहो हो, तो अभी क्या इसके पैसे दूं? नहीं 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 भाई, मैं इसलिए कह रहा था कि मैं अपने साथ अपनी पुरानी चप्पल भी लाया हूँ, इसे हम सोसाइटी के भंगार में डाल देंगे तो तुम्हें भंगार के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। वाह 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 पोपटलाल, अभी तो भंगार के वाकई बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, तुम्हारी चप्पल जो उसमें शामिल हो जाएगी। थैंक यू। लेकिन पोपटलाल, तुम वो चप्पल के पैसे वापस तो नहीं मांगोगे ना? अब भिड़े, ये मेरा योगदान होगा बच्चों की गेम्स के लिए। ओहो, क्या योगदान है, वाह वाह पोपट अंकल, थैंक यू। भिड़े अंकल, मैं आज ही भंगार वाले को बुलाकर भंगार बेच देता हूँ। नहीं 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 टप्पू, तुम अभी बच्चे हो, वो भंगार वाला तुम्हें बेवकूफ बनाएगा। ये भंगार 10 हज़ार का है, तुम्हें सिर्फ वो 5,000 रुपए देगा, मालूम है? भिड़े अंकल, लाइफ में 3 चीज को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना है। पहला टप्पू, दूसरा टिपेंद्र, और तीसरा टप्पू। भिड़े अंकल, ये सारा भंगार 10,000 से भी ज्यादा में बेच के दिखाऊंगा, क्यों पोपट अंकल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पोपट अंकल को टप्पू और टप्पू सेना के ऊपर पूरा भरोसा है। वाह वाह वाह, बोल ले वकील बोल ले, हमेशा इनकी फेवर में ही रहो तुम। अरे भाई भिड़े, तुम भी थोड़ा समझदारी से काम लो, हमारी टप्पू सेना कुछ भी कर सकती है। टप्पू सेना, तुम लोग ये भंगार बेच दो और जो भी पैसे आएंगे उनसे अपने लिए इंडोर गेम्स खरीद लो। थैंक यू पोपट अंकल, पोपट अंकल जिंदाबाद, पोपट अंकल जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मिनट, मैंने अभी तक हाँ नहीं बोला है। और पोपटलाल, मान लो के भंगार के 10,000 रुपए नहीं आए, कम आए, तो बाकी के पैसे तुम जेब से दोगे? जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हारी जेब में पैसे होने चाहिए। भिड़े अंकल, एक काम करते, लेट्स मेक अ डील। आपको 10,000 रुपए चाहिए, ये भंगार टप्पू ने 10,000 रुपए में खरीद लिया। हाँ, ऐसे भी वैकेशन है तो टप्पू भी थोड़ा बिजनेस करेगा। ये भंगार के मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, मतलब अब ये भंगार टप्पू सेना का, तो हम जैसे चाहे वैसे डील कर सकते हैं। भीड़ अंकल, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। मेरे पीछे जो बोर्ड पे इबारत लिखी हुई है वो बिल्कुल ठीक है, हमें किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, खास तौर पे आजकल के बच्चों को तो कम आंकने की भूल करनी ही नहीं चाहिए, वो बिल्कुल असाधारण काम कर लेते हैं। उस पे भी टप्पू, जो कि साधारण बच्चा नहीं है, अब उसने अगर ये जिम्मेदारी ली है कि वो भंगार बेचेगा तो भिड़े का आश्चर्य चकित होना स्वाभाविक भी है और असामान्य भी नहीं है, क्योंकि भिड़े सोच रहे हैं कि कैसे करेगा टप्पू ये काम। लेकिन आप जानते हैं कि टप्पू जब भी कोई काम करने की ठान लेता है तो फिर करता जरूर है, लेकिन उस काम में हंगामे भी होते हैं। अब ये भंगार बेचने वाले काम में कितनी मुसीबतें आती है, कितने हंगामे होते हैं, ये बताना तो अभी लाजमी नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस भंगार में मुझे अंगार नजर आ रही है। लेकिन ये अंगार नुकसान वाली नहीं है, हंसी की अंगार, हंसी की अग्नि। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.